अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में स्टॉक ग्रुप्स क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है और उन्हें कैसे बनाते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कंट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना बताया था और उसके बाद हमें आपको परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के बारे में बताना था, पर इनके बीच में ही हम आपको स्टॉक आइटम्स और उनके ग्रुप्स के बारे में समझा रहे हैं और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। हमने आपको ट्रांजेक्शन पहचानने वाली वीडियो में दो ट्रांजेक्शन बताए थे, जिसमें से एक था 1 अप्रैल को व्यापार के लिए 51,000 रूपए का माल नकद खरीदा और जो माल खरीदा था उसे 2 अप्रैल को 75,000 रूपए में नकद बेच दिया। अब ऐसा बोलने में तो ठीक लगता है, पर दरअसल ये अस्पष्ट है। इसमें हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि क्या माल था, कितना था, उसका रेट क्या था इत्यादि। जब हम व्यापार में माल खरीदने बेचने का काम करते हैं तो जो भी माल यानी गुड्स खरीदते बेचते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है, जिससे हमें बहुत ही आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन सा माल खरीदा, उसकी कितनी क्वांटिटी थी, क्या भाव था, कौन सा माल बेचा, कौन सा माल स्टॉक में है इत्यादि। और इन्हीं कारणों से टैली में हमें परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के पहले स्टॉक आइटम्स बनाना होते हैं। तो ये तो आपने जाना कि स्टॉक आइटम्स बनाने की जरूरत क्यों है। अब बताते हैं कि स्टॉक आइटम्स के लिए स्टॉक ग्रुप्स की जरूरत क्यों है। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझें। मान लीजिए हमारा ABC इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक शोरूम है, जिसमें हम अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज और कैपेसिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आदि रखते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। टैली में इन सभी प्रोडक्ट्स के अलग अलग खाते तो खोल सकते हैं, पर यदि हम एक साथ शीघ्रता से ये देखना या जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितने टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं, या हम ये जानना चाहें कि हमारे पास कौन सी कंपनी के कितने टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं, तो इस तरह की जानकारी के लिए हमें हर आइटम का अलग अलग स्टॉक देखना होगा और उन्हें प्रोडक्ट और ब्रांड के हिसाब से अलग अलग कहीं लिखना होगा और फिर उनकी जोड़ लगाना होगी। यानी एक लंबा और बहुत ज्यादा समय लेने वाला प्रोसीजर होगा और इतना करने के बाद भी इस हिसाब में गलती की संभावना बनी रहेगी। तो अब इसका क्या हल है? तो इसका हल ये है कि पहले हम स्टॉक ग्रुप्स बना लें और फिर उन ग्रुप्स में स्टॉक आइटम्स के खाते खोल लें। हमने जो उदाहरण बताया इसे हम एक चार्ट की सहायता से और भी सरल तरीके से समझ लेते हैं। इस चार्ट में सबसे ऊपर ABC इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है और इस शोरूम में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ हम समझाने के लिए इन सभी प्रोडक्ट्स में से सिर्फ टीवी के सब ग्रुप्स बनाकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए टीवी में किस किस कंपनी के टीवी हैं वो तीसरी लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें से किसी एक कंपनी के टीवी पर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनमें कौन कौन सी साइज के टीवी है। टैली में यदि इस तरह के स्टॉक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर उनके अंदर स्टॉक आइटम्स बना लें तो हमें स्टॉक से संबंधित सभी जानकारी बगैर किसी गलती के बड़ी आसानी से और जल्दी मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि जब टैली ने अकाउंट्स यानी लेजर्स के लिए ग्रुप और सब ग्रुप्स बनाकर दिए हैं तो स्टॉक आइटम्स के लिए कोई ग्रुप और सब ग्रुप बनाकर क्यों नहीं दिया? इसका जवाब ये है कि लेजर्स के लिए तो जो ग्रुप और सब ग्रुप्स बनाकर दिए गए हैं वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से बने हुए हैं और वो प्रायः सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं, जबकि प्रत्येक व्यापार के स्टॉक आइटम्स अलग अलग होते हैं और जब स्टॉक आइटम्स अलग अलग होते हैं तो स्टॉक ग्रुप्स भी अलग अलग ही होंगे। यही कारण है कि टैली हमें स्टॉक ग्रुप्स बनाकर नहीं देता है और ये हमें बनाने पड़ते हैं। तो चलिए टैली के इस वीडियो में अब हम आपको बता देते हैं कि स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। हमने टैली में जो कंपनी बनाई थी वो ओपन कर ली है। इस कंपनी में पहले हम बहुत से लेजर्स बना चुके हैं और इसी में हमने कुछ वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं।
अब आगे चलते हैं। टेली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन दिखाई पड़ती है और इसे हम टेली में जाने का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा कह सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम मास्टर्स के अंतर्गत आने वाले इन तीनों ऑप्शंस का उपयोग करते हुए लेजर्स क्रिएट करना और उन्हें ऑल्टर और डिलीट करना सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्रिएट और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से स्टॉक ग्रुप्स बनाना। तो चलिए मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत क्रिएट के लिए सी प्रेस करते हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ मास्टर्स आ रही है, हमें इसमें इन्वेंटरी मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप में जाना होगा। हम माउस से उस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब ये देखिए स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ नेम के आगे ग्रुप का नाम टाइप करें, हमने टाइप किया टीवी, एंटर प्रेस करें। अलियास को हम आगे बताएंगे, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। अंडर में प्राइमरी यानी मुख्य ही रहने दें क्योंकि ये हमारा मुख्य ग्रुप है, एंटर प्रेस करें। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसका अर्थ ये है कि इस ग्रुप के अंतर्गत जो भी स्टॉक आइटम्स आप बनाएंगे क्या उन सभी क्वांटिटी का टोटल किया जाना चाहिए। यहाँ हम यस के लिए वाई टाइप करेंगे और फिर इस विंडो को कंट्रोल और ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने टीवी का जो मेन ग्रुप बनाया है उसके अंदर एक सब ग्रुप भी बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो खुली हुई है, नेम में हम सोनी टीवी टाइप कर रहे हैं, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अंडर में हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से टीवी चुनेंगे क्योंकि हम जो ग्रुप बना रहे हैं वो टीवी का सब ग्रुप है। देखिए ऐसा करते ही शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड के आगे यस अपने आप आ गया है क्योंकि हमने अंडर में टीवी चुना है और टीवी का ग्रुप बनाते वक्त हम शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड को यस कर चुके हैं। अब कंट्रोल और ए की से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एस्केप की दबाते हुए हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अभी हमने एक बार में एक यानी सिंगल स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा। आइए अब देखते हैं कि यदि एक ही बार में एक से ज्यादा यानी मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए हम एच प्रेस कर रहे हैं और अब डाउन एरो से स्टॉक ग्रुप्स पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ मल्टी मास्टर्स के लिए ऑल्टर और एच कीज को प्रेस करेंगे। देखिए लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स आ रही है, मल्टी क्रिएट ऑलरेडी हाईलाइटेड है, हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ हम दो तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं। पहला, यदि हम किसी एक ही ग्रुप के अंतर्गत ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं और दूसरा अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत ग्रुप्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। पहले हम किसी एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स बनाना देख लेते हैं। उसके लिए हमें अंडर ग्रुप में वो ग्रुप सिलेक्ट करना होगा जिसके अंतर्गत हम सब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। पर यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ही दिखाई नहीं पड़ रही है जिसमें से हम ग्रुप सिलेक्ट कर सकें। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के लिए बैकस्पेस की प्रेस करें। ये देखिए ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई है। अब इसमें से हम ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम टीवी वाला ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप में उस ग्रुप का नाम लिखें जो आप बनाना चाहते हैं। हमने टाइप किया एलजी टीवी, अब एंटर प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही अंडर में उसी ग्रुप का नाम दिखाई पड़ रहा है जिसे हमने ऊपर सिलेक्ट किया था। Should quantities of item be added में आप yes या no कर सकते हैं, हम yes ही रहने दे रहे हैं। Enter press करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह हम जितने भी companies के टीवी रखते हैं उन सभी के groups बना लेंगे। और last में control और A key से इस window को accept कर लेंगे। आइए अब हम अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत ग्रुप्स कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। उसके लिए ऑल्टर और एच कीज को प्रेस करें और यहाँ मल्टी क्रिएट सिलेक्ट कर लें। ये देखिए मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। अब जैसा कि हम एक ही बार में एक साथ कई प्राइमरी ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करना होगा। ऑल आइटम ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एंटर प्रेस करें।
अब नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप में आप जो ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखें, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर। एंटर प्रेस करें और अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से वो ग्रुप सिलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप इसे बनाना चाहते हैं। चूंकि ये हमारा मेन ग्रुप है तो हम प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम यस के लिए वाई टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह हम वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और एयर कंडीशनर के ग्रुप भी बना लेते हैं। अभी हमने जितने भी ग्रुप बनाए ये सभी प्राइमरी ग्रुप्स हैं। अब हम टीवी का जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें एक सब ग्रुप भी बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइप किया ओनिडा टीवी और इसे हम टीवी ग्रुप में लेंगे। इसी तरह हम अपनी जरूरत के अनुसार एक ही बार में कितने भी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना सकते हैं। अभी हमारी जरूरत के सभी ग्रुप्स बन गए हैं। कंट्रोल और ए की से इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने जो प्राइमरी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए हैं, यदि आप उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर स्टॉक ग्रुप्स में जाना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए सभी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप इनमें से किसी में कुछ चेंजेस करना चाहें तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन स्क्रीन आएगी और यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। इसे हम अगली वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। हम आपको यहाँ पर एक खास बात फिर से याद दिला दें कि यदि आप टैली में कहीं भी काम कर रहे हैं और उस काम को बंद किए बगैर मास्टर्स के इन तीनों ऑप्शंस में से किसी का उपयोग करना चाहते हैं तो ये काम गो टू की सहायता से कर सकते हैं। देखिए ये तीनों ऑप्शंस यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हमें स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स की जरूरत क्यों होती है, साथ ही हमने स्टॉक ग्रुप्स बनाना सीखा। अगली वीडियो में हम स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं।